Sir, I want to be a part of this mission. This is not personal. It is personal for me, sir. Main plan India se take off karne ka nahi hai. Fir aircraft kahan se take off karenge? Pakistan se. भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म तेजस के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म तेजस की, तो कंगना रनौत की फिल्म तेजस इन दिनों सिनेमा घरों में रिलीज है और फिल्म फिलहाल कलेक्शन करने के मामले में काफी ज्यादा फीकी कमाई कर रही। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑलमोस्ट फ्लॉप हो चुकी है। फिल्म फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर छाप छोड़ने में नाकामयाब रही। देखते देखते फिल्म के आज बॉक्स ऑफिस पर 6 डेज पूरे हो चुके हैं और फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6 की बात करें तो फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6 के अंदर भी काफी ज्यादा बुरा हाल रहा। फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6 के अंदर करीब 40 लाख की कमाई की। इसी के साथ फिल्म तेजस का फ्रॉम डे 6 तक इंडिया के बॉक्स ऑफिस से 4.90 करोड़ की नेट कमाई कर चुकी थी, तो वहीं फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 6 करोड़ ग्रॉस की कमाई हुई है। फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म को 45 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रिंट्स एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को मिलाकर, और फिल्म फिलहाल अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। दोस्तों बता दूं कि फिल्म जैसे तैसे बॉक्स ऑफिस पर टिकी है, फिल्म का काफी ज्यादा बुरा हाल है। ऑडियंस ना मिलने पर शोज कैंसिल किए जा रहे हैं। दोस्तों बता दूं कि फिल्म का जमकर प्रमोशन भी किया गया था, बावजूद फिल्म ऑडियंस को सिनेमा घरों में खींचने में पूरी तरह से नाकामयाब रही। वहीं दोस्तों फिल्म के बारे में आप सभी को बता दूं तो फिल्म में कंगना रनौत विंग कमांडर तेजस गिल की भूमिका में है, जो एक मिशन पर निकलती है। मिशन को पूरा करने के लिए वे पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान में अपना मिशन को कैसे पूरा करती है, उसके सामने क्या कठिनाइयां आती है और कैसे वो इस मिशन को अंजाम देती है। फिल्म की कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमी है। फिल्म को दोस्तों फिलहाल आपने देखी या ना देखी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म 12th फेल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म 12th फेल की, तो विक्रांत मेसी एंड मेधा शंकर स्टार फिल्म 12th फेल के आज बॉक्स ऑफिस पर 6 डेज पूरे हो चुके हैं और फिल्म फिलहाल कलेक्शन करने के मामले में जबरदस्त कमाई कर रही है। दोस्तों फिल्म को ऑडियंस काफी ज्यादा पसंद कर रही। फिल्म ने जहां अपने पहले दिन महज 1.10 करोड़ की कमाई कर शुरुआत की, लेकिन फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ का जबरदस्त फायदा हुआ और इस वीकेंड फिल्म देखने लोग सिनेमा घरों में पहुंचे और फिल्म 12th फेल का कलेक्शंस में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला। फिल्म 12th फेल के आज बॉक्स ऑफिस पर 6 डेज पूरे हो चुके हैं और फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6 की बात करें तो फिल्म 12th फेल ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6 के अंदर करीब 1.70 करोड़ की नेट कमाई की। इसी के साथ फिल्म 12th फेल का फ्रॉम डे 6 तक इंडिया के बॉक्स ऑफिस से 11.49 करोड़ की नेट कमाई कर चुकी है। फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म को ओवरऑल 25 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है और फिल्म अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स दिखा रही। फिल्म 12th फेल दोस्तों आपने देखी या ना देखी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं शाहरुख खान स्टार फिल्म जवान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 56 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म जवान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फिल्म के आज बॉक्स ऑफिस पर 56 डेज पूरे हो चुके हैं और फिल्म फिलहाल कलेक्शन करने के मामले में ठीक ठाक कमाई कर रही है। फिल्म करोड़ों में तो नहीं लेकिन लाखों में जरूर कमा रही। फिल्म के आज बॉक्स ऑफिस पर 56 डेज कलेक्शन की बात कर ले तो फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 56 के अंदर 10 लाख की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म जवान का फ्रॉम डे 56 तक इंडिया के बॉक्स ऑफिस से 40.95 करोड़ की नेट कमाई कर चुकी है, तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 1148 करोड़ की ग्रॉस कमाई हो चुकी है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बहुत जल्द रिलीज किया जाने वाला है। फिल्म को 2 नवंबर 2023 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। फिल्म को दोस्तों अगर आपने बड़े पर्दे पर अब मिस किया है तो इसे अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लुत्फ उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये था लेका जोका हाल फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का। ये पोस्ट पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।